नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने इस किस बेनिया अकेडमी में। तो दोस्तों, आज चलो हम बात करते हैं कि हम अपने बच्चों को जीनियस कैसे बना सकते हैं। कि दोस्तों, सभी पेरेंट्स का सपना होता है कि हमारे बच्चे भी जीनियस बने और आगे जाकर बहुत ज़्यादा तरक्की करें। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो कुछ टिप्स है जो मैं आज आपसे शेयर करती हूँ। जो हमारे देश के लोग जो जीनियस बने हैं, जो अच्छे वैज्ञानिक बने हुए हैं, जो अच्छे एक्टर बने हुए हैं, उनके जो माँ बाप ने उन लोगों के साथ किया कि वो जिसकी वजह से जीनियस बन पाए हैं, तो कुछ ऐसी ही टिप्स है जो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने बच्चों को पॉजिटिव सजेशन देना है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। इनफैक्ट सभी की लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। पॉजिटिव सजेशन एक बहुत ही अच्छा वे है बच्चों को ऊंचाई तक ले जाने के लिए। हमें बच्चों को बिल्कुल भी नेगेटिव सजेशन बिल्कुल भी नहीं देना है, ओनली पॉजिटिव सजेशन ही देना है। अगर मैं इसके ऊपर आपको एक छोटी सी एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा था स्कूल का, उसको उसकी टीचर ने एक नोट दिया। उस नोट को टीचर ने उससे कहा कि बेटा आप जाइए, इसको अपनी मम्मा को दीजिए और बोलना कि ये टीचर ने दिया है आपके लिए। तो वो बच्चा बहुत खुशी खुशी जाता है अपने घर पर और अपनी माँ से बोलता है कि माँ, आज टीचर ने मुझे ये नोट दिया है और बोला है कि ये अपनी माँ को देना। उसकी माँ उस नोट्स को पढ़ती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फिर पूछते हैं कि माँ क्या हुआ, ऐसा क्या लिखा हुआ है इसमें, आप मुझे बताइए। तो उसकी मम्मी बहुत सोच कर उनको बोलती हैं कि बेटा, इसमें लिखा हुआ है कि आपका बेटा बहुत ही ज़्यादा जीनियस है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए आप अपने बेटे को घर पर ही पढ़ाएं और हमारे पास कोई ऐसा टीचर नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सके। तो पढ़ाई को करता है, बहुत सारी रिसर्च करता है और फिर वो एक बहुत कामयाब इंसान बनता है। उसके बाद उनकी माँ का देहांत हो जाता है और वो फिर जब एक बार अपने घर को खाली कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ों को बाहर निकाल रहे होते हैं, तो तब उनको वो नोट मिलता है जो उनकी टीचर ने बचपन में उनको दिया था। और वो नोट देखकर पहचान जाते हैं कि ये तो वही नोट है जो टीचर ने मुझे बचपन में दिया था और बोला था कि जाओ बेटा ये अपनी मदर को दे देना। तो जब वो बच्चा जो बड़ा हो जाता है, बहुत कामयाब जो इंसान बनता है अपनी लाइफ में, तो वो जब उस नोट को पढ़ता है और बोलता है, सोचता है मन में और उसको रोना भी आता है, अंदर से आँखों में आंसू आ जाते हैं उनके, और वो सोचता है कि मैडम ने तो इसमें ये लिखा था कि आपका बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा नालायक है और इसको हम पढ़ा नहीं सकते हैं, तो इसे कल से स्कूल मत भेजना। लेकिन उनकी मम्मी ने उनको बहुत पॉजिटिव सजेशन दिया कि उनका बेटा बहुत जीनियस है और उसको पढ़ाने के लिए कोई ऐसा टीचर नहीं है, तो इसे आप अपने घर पर ही पढ़ाइए। तो बहुत पॉजिटिव वे में वो बच्चा सोचता है कि आज जो मैं इतना बड़ा वैज्ञानिक बन पाया हूँ तो सिर्फ़ अपनी माँ की वजह से। तो दोस्तों, उस बच्चे का नाम होता है थॉमस एल्वा एडिशन। तो दोस्तों देखो, थॉमस एल्वा एडिशन जो हमारे एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, एक पॉजिटिव सजेशन की वजह से ही आज वो एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक बन पाए। तो हमें भी चाहिए कि आप अपने बच्चों को हमेशा पॉजिटिव सजेशन ही दे। एक सेकंड बताती हूँ कि हमें और क्या करना चाहिए। तो हमें फोकस ऑन स्ट्रेंथ, हमें अपने बच्चों की स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बस अपने बच्चों की जो वीक पॉइंट होते हैं उन्हीं को ही बोलते रहते हैं कि तुम में ये है वो है, तुम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। अरे, जो उसके अंदर स्ट्रेंथ है आप उन पर क्यों नहीं फोकस करते हो? और जब उनकी स्ट्रेंथ को आप उनकी स्ट्रेंथ पे जब आप फोकस करोगे, जो उनमें काबिलियत है उसको निखारोगे, तभी तो बच्चा आगे बढ़ पाएगा। तो हमें
बच्चों में जो काबिलियत है उसको निखारना है और उनको आगे बढ़ाना है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मैं बोलूं अमिताभ बच्चन जी को कि चलिए आप एक्टिंग छोड़िए और आप अकाउंट संभालिए, तो क्या वो कर पाएंगे? और मैं धोनी को बोलूं कि आप ये सब छोड़िए, आप कुछ और कीजिए, तो ये उनके पेरेंट्स ने उनको सजेस्ट किया और फोकस रखा उनकी स्ट्रेंथ पर कि हाँ ये एक्टिंग में बहुत अच्छा कर सकता है और ये क्रिकेटर बहुत अच्छा बन सकता है। आपने धोनी फिल्म भी देखी है तो उसमें कैसे सब लोग उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सजेशन देते हैं, फोकस करते हैं उनकी स्ट्रेंथ पर कि ये एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। तो हमारे बच्चे क्यों नहीं, हमारे बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, बस हमें ज़रूरत है उनकी काबिलियत को आगे उभारने की और उनको आगे बढ़ाने की। तो आप अपने बच्चों की फोकस रखें उनकी स्ट्रेंथ पर, जब स्ट्रेंथ पर आप फोकस रखेंगे तो उनकी वीक पॉइंट आपको इतने दिखाई भी नहीं देंगे और वो हो सकता है कि उसकी वजह से थोड़ा ठीक भी हो जाए जो भी उनके वीक पॉइंट है। और इस दुनिया में हर कोई एक गॉड गिफ्ट लेकर ही आता है, ऊपर वाले ने अगर हमें भेजा है तो कुछ काबिलियत के साथ ही भेजा है उसने, तो हमें बहुत ही अच्छे से और बहुत ही पॉजिटिव वे में अपने बच्चों को समझाना है और उन्हें आगे बढ़ाना है। तीसरा अगर मैं बात करूँ तो हमें अपने बच्चों को कुछ ऐसी स्टोरीज सुनानी चाहिए, कुछ ऐसी मतलब उनको कहानियाँ और कुछ ऐसी बातें बतानी चाहिए जिससे कि बच्चे को पॉजिटिव सजेशन मिले। मोरल स्टोरीज में बहुत आप कुछ भी ले सकते हो, लाइक आप विवेकानंद की आप स्टोरी सुना सकते हैं उनको, या फिर आप उनको अकबर बीरबल की स्टोरी सुना सकते हैं जिससे उनको कुछ ना कुछ पॉजिटिव थिंक मिलती रहे, ताकि हमारे बच्चे के अंदर भी पॉजिटिव थिंक आती रहे और वो एक कामयाब इंसान बने कि जब इन्होंने किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हमें भी तो ऊपर वाले ने बहुत अच्छी सोच दी है, बहुत अच्छा टैलेंट दिया है, बस ज़रूरत होती है कि हम उसको कैसे उभारें और कैसे अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। तो गाइस ये थी सिंपल सी कुछ टिप्स जो आप अपने बच्चों के साथ कीजिए, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी उनको जीनियस बनाने के लिए। तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए एंड बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक हैंड टू हैंड पहुँचती रहे। तो थैंक यू सो मच।